अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी फैक्ट्स। आईटी फैक्ट्स में आज हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल में यूज़ की जाने वाली शॉर्टकट की, जो रिबन के लिए, सेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं, देन टेबल्स एंड फिल्टर के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इन तमाम शॉर्टकट कीज को आज हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर शॉर्टकट कीज लिखी हैं, देन डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उनकी। तो अगर हम चाहते हैं एक्टिवेट करना एक्सेक्स कीज को, अगर एक्सेक्स कीज को हम एक्टिवेट करना चाहते हैं तो क्या किया जाता है, आल्ट का बटन प्रेस किया जाता है। अगर एक्सपेंड एंड कॉल एक रिबन को यूज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F1 का बटन जो है वो प्रेस किया जाता है। गेट हेल्प ऑन सिलेक्टेड कंट्रोल और ओपन हेल्प, गेट हेल्प ऑन सिलेक्टेड कंट्रोल पर, यानी सिलेक्टेड कंट्रोल पर अगर हम हेल्प हासिल करना चाह रहे हैं या ओपन हेल्प को ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम F1 का बटन जो है वो प्रेस करते हैं। ये बटन जो है एक्सेल में भी यही बटन प्रेस किया जाता है हेल्प को हासिल करने के लिए। उसके बाद है एक्टिवेट करना और ओपन सिलेक्टेड कंट्रोल। एक्टिवेट करना या सिलेक्टेड कंट्रोल को ओपन करने के लिए स्पेस बार का बटन जो है वो प्रेस किया जाता है। फ्रेंड्स, जिस तरह से आप कोई वीडियो ओपन करते हैं, कोई भी वीडियो प्ले करते हैं और वो अभी प्ले नहीं हुई होती या स्टॉप होती है, तो उस पर जब आप स्पेस बार का बटन प्रेस करते हैं तो वो वीडियो स्टार्ट हो जाती है। देन अगर आप स्पेस बार का बटन सेलेक्ट करें, प्रेस करते हैं, तो वो फिर से क्या हो जाती है, वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है एंड देन इस पर वर्किंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट आता है सिलेक्शन। उसके बाद सिलेक्शन है मूव लेफ्ट बिटवीन नॉन एडजेसेंट सिलेक्शन। मूव लेफ्ट बिटवीन नॉन एडजेसेंट सिलेक्शन के बिटवीन लेफ्ट की तरफ मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस लेफ्ट एरो का यूज़ किया जाता है। मूव राइट बिटवीन नॉन एडजेसेंट सिलेक्शन के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस राइट एरो का यूज़ किया जाता है। एड नॉन एडजेसेंट सेल्स टू सिलेक्शन के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक का यूज़ किया जाता है। एड एडजेसेंट सेल टू सिलेक्शन के लिए शिफ्ट प्लस क्लिक का यूज़ किया जाता है। उसके बाद टेबल्स आते हैं। यहाँ पर टेबल्स एंड फिल्टर्स के लिए, टेबल्स अगर आपने स्लाइसर फिल्टर जो लगा होता है, यानी जिस तरह टेबल बना होता है, टेबल के ऊपर जो फिल्टर लगा होता है, यहाँ पर इस जगह पर टेबल, जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक टेबल है, देन यहाँ पर एक फिल्टर का बटन होता है। उस फिल्टर के बटन को, स्लाइसर फिल्टर को क्लियर करना हो तो आल्ट प्लस सी का बटन प्रेस किया जाता है। उसको फिल्टर को एक्टिवेट करना हो तो आल्ट प्लस डाउन एरो का बटन प्रेस किया जाता है। टुगल ऑटो ऑटो फिल्टर के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का बटन प्रेस किया जाता है। टुगल टेबल टोटल रो के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का बटन प्रेस किया जाता है। इंसर्ट टेबल के लिए कंट्रोल प्लस टी का बटन जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है सिलेक्टिंग सेल्स रोज एंड कॉलम्स। सेल्स रोज एंड कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट कीज यूज़ की जाती हैं। अगर हम वर्कशीट में जितना कुछ भी टाइप है ऑल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस ए का बटन प्रेस करते हैं। अगर हम करना चाहते हैं एक्सटेंड द सिलेक्शन टू द लास्ट सेल यूज्ड ऑन वर्कशीट, इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड का बटन प्रेस किया जाता है। एक्सटेंड द सिलेक्शन टू द फर्स्ट सेल यूज्ड ऑन वर्कशीट, इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम का बटन प्रेस किया जाता है। सिलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन द करंट वर्कशीट व्हाइल रिटेन द करंट सिलेक्शन, इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार का बटन जो है वो प्रेस किया जाता है। एक्सटेंड द सिलेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ एरो की, डायरेक्शन ऑफ एरो की में सिलेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज़ किया जाता है। टुगल एक्सटेंड मोड ऑन एंड ऑफ करने के लिए F8 को प्रेस किया जाता है। एक्सटेंड द सिलेक्शन अपवर्ड बाय वन स्क्रीन, सिलेक्शन को अपवर्ड करना एक्सटेंड करना है बाय वन स्क्रीन, तो शिफ्ट प्लस आप पेज अप का बटन प्रेस किया जाता है। रिड्यूस द सिलेक्शन टू द एक्टिव एक्टिव सेल, इसके लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार का बटन प्रेस किया जाता है।
टॉगल ऐड मोड ऑन एंड ऑफ करने के लिए शिफ्ट प्लस एट का बटन F8 का बटन प्रेस किया जाता है। एक्सटेंड द सिलेक्शन टू द फर्स्ट सेल इन द रॉ के लिए शिफ्ट प्लस होम का बटन प्रेस किया जाता है। एक्सटेंड द सिलेक्शन डाउनलोड बाय वन स्क्रीन के लिए शिफ्ट प्लस पेज डाउन का बटन प्रेस किया जाता है। सिलेक्ट द करंट कॉलम्स के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार का बटन प्रेस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करके एमएस एक्सेल का इस्तेमाल आसान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ से डिस्क्रिप्शन समझ नहीं आती, बाज़ूकात होता है कि नहीं आ रही होती समझ के ये डिस्क्रिप्शन क्या लिखी है और उसको किस लिए यूज़ करना है, तो आपको इस बात के लिए बहुत टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट क्या करना होगा, आप क्या करें, आप यहाँ से शॉर्टकट कीज़ जो मौजूद होती हैं, आप अपनी वर्कशीट कोई जो फजूल होती है जिसके ऊपर आपने जो इम्पोर्टेंट नहीं होती उसको ओपन करें, और वहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर ये जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं इनको यूज़ करें। जैसे आप शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे और आपके सामने जो एक्शन परफॉर्म होगा, आपको उस एक्शन से समझ आएगी कि ये शॉर्टकट की मैंने किस लिए यूज़ की है, एंड देन उसको अपने प्रैक्टिकली बार बार यूज़ करके देखें ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, एंड देन आप लाइफ में प्रैक्टिकली जब आप एक्सेल को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर उनको यूज़ करें। इस तरह से भी आप शॉर्टकट की को समझ सकते हैं, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्शन अगर आपको नहीं समझ आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं और इस तरह से प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहें।